सिद्धार्थनगर 3 जुलाई 2023 राज्य स्तरीय तैराकी चैंपियनशिप प्रतियोगिता के समापन अवसर पर घोषित ऑल ओवर परिणाम में गौतम बुद्ध नगर की टीम को 4 और स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई की टीम को 2 खिताब मिला। टीम की अगुवाई करने वाले खिलाड़ियों बतौर मुख्य अतिथि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार खेल युवा कल्याण उत्तर प्रदेश सरकार गिरीश चंद्र यादव के हाथों ट्रॉफी प्रदान किया गया, जबकि सभी ऑफिसियल को बुद्ध की प्रतिमा भेंट की गई। जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में राज्य स्तरीय तैराकी चैंपियनशिप प्रतियोगिता में तीनों दिनों गौतम बुद्ध नगर के खिलाड़ियों का दबदबा कायम रहा। ऑल ओवर परिणाम में भी सर्वाधिक ट्रॉफी गौतम बुद्ध नगर की टीम को हासिल करने में सफलता मिली। चैंपियनशिप का खिताब पाने वाली टीम में गौतम बुद्ध नगर के चितंजू गोयल, सुहानी जैन, जिया यादव, अमरीश पटेल, सैफई के अर्थात सिंह यादव, अजीत यादव शामिल थे। इस मौके पर खेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार खेल युवा कल्याण उत्तर प्रदेश सरकार गिरीश चंद्र यादव ने सभी टीम की अगुवाई करने वाले खिलाड़ियों को ट्रॉफी प्रदान किया। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार खेल युवा कल्याण उत्तर प्रदेश सरकार गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार खेल और खिलाड़ियों के हित में कई अहम निर्णय लिए, जिसकी सराहना देश विदेश में भी हो रही है। खेल नीति के तहत 2% को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को कभी निराश नहीं होना चाहिए, सतत प्रयास करना चाहिए। इस मौके पर राज्य स्तरीय तैराकी चैंपियनशिप प्रतियोगिता के आयोजक बासी विधायक जय प्रताप सिंह ने स्वागत करते स्पोर्ट्स स्टेडियम से जुड़े बिंदुओं पर मांग पत्र सौंपा। कार्यक्रम को तैराकी संघ के प्रदेश सचिव रविन कपूर, मुख्य विकास अधिकारी जयेंद्र कुमार, नगर पालिका परिषद सिद्धार्थनगर के अध्यक्ष गोविंद माधव, भाजपा के जिला संयोजक कन्हैया पासवान, तैराकी संघ के जिला सचिव अभय प्रताप सिंह ने भी संबोधित किया। प्रतियोगिता में निर्णायकों की ओर से घोषित परिणाम के मुताबिक 400 फ्री स्टाइल के अलग अलग ग्रुप में प्रथम स्थान लाने वालों में गौतम बुद्ध नगर के चितंजू गोयल, सुहानी जैन, गीतिका चौहान, अमरीश पटेल, अमेठी के आर्थव सिंह, भदोही के हरिओम 200 बैक स्ट्रोक में गौतम बुद्ध नगर के वेदंत चंद्र, इसिताई सिंह, अंबेडकर नगर के धन्या कोड़कनी, सैफई के अमरजीत कुमार गौड़, गोलू यादव, झांसी की जिया यादव, लखनऊ के सूरज यादव 50 बैक स्ट्रोक में, लखनऊ के ईशान रस्तोगी यथार्थ यादव, मिर्जापुर की पूजा निषाद, झांसी की जिया यादव, कुशीनगर के पीयूष कन्नौजिया, सौम्या चौहान, राज चौहान, लखनऊ की दिव्या चौहान, गाजियाबाद के इर्द चिकरा, गौतम बुद्ध नगर की सुहानी जैन, तविशा मल्होत्रा, वाराणसी के सत्यम सहनी, द्वितीय झांसी की जिया यादव, सैफई के अजीत यादव ने बाजी मारी। समापन कार्यक्रम के अवसर पर क्रीड़ा अधिकारी बस्सी संजय शर्मा, जिला क्रीड़ा अधिकारी आशुतोष अग्निहोत्री, खेल प्रशिक्षक देवेंद्र कुमार पांडे, रत्न सिंह, राजलक्ष्मी, सुमन सिंह, सत्यप्रकाश, इंसांग सिंह, विपिन त्रिपाठी भी उपस्थित थे। संचालन जय किसान इंटर कॉलेज सकरपुर शनई के प्रवक्ता सचिदानंद शुक्ला ने किया। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश स्टेट तैराकी का जो चैंपियनशिप है 2023 37वीं सब जूनियर और 22वीं जूनियर की, ये सिद्धार्थ नगर में जो आयोजन हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है और सिद्धार्थ नगर के वासियों के साथ साथ आसपास के जितने जिले उनके लिए भी बहुत अच्छा इस प्रतियोगिता में आयोजन से उनको लाभ मिलेगा आगे बढ़ने का, आगे जाने का। खिलाड़ियों को निश्चित रूप से इस आयोजन के माध्यम से खिलाड़ी हमारे जो हैं वो प्रेरणा लेकर आगे बढ़ेंगे और जो इस प्रतियोगिता में फर्स्ट सेकंड थर्ड आए उन सबको मेरी बहुत ढेर सारी बधाई है, शुभकामना है। वो अति शीघ्र उड़ीसा में नेशनल में खेलने के लिए जाएंगे और मेरी उनको इस बात के लिए भी अग्रिम रूप से वो है कि शुभकामना है कि वहाँ भी उत्तर प्रदेश का विजय का पताका पारा के आऊँ। सिद्धार्थ नगर के स्टेडियम में माननीय मंत्री जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक हैं, हम सबके अभिभावक हैं, जो इन्होंने जो बात कही है उन सभी, चाहे वो सिंथेटिक रनिंग ट्रैक की बात होगी, स्विमिंग पूल की होगी, या यहाँ रहने के लिए छात्रों के लिए जो छात्रावास की आवश्यकताएं होंगी उन सबको हम लोग निश्चित रूप से पूरा कराएंगे। कल ही इस संबंध में मैं अपने अपर मुख्य सचिव निदेशक अपर मुख्य सचिव को इस बात के लिए कहूँगा कि यहाँ का पूरा किसी कार्यदायी संस्था को और हमारे क्रीड़ा अधिकारी हो उन सब के बीच समन्वय स्थापित करके अतिशीघ्र
जो यहाँ खेल की सुविधा की आवश्यकता हो उसको पूरा कराने के लिए हम इस बात के लिए निर्देश देंगे। नहीं, कोचेज की कमी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता था क्योंकि लंबा हो गया। पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पदों के सृजन की घोषणा की, क्रीड़ा अधिकारी, उप क्रीड़ा अधिकारी, सहायक प्रशिक्षकों की, और अति शीघ्र हम लोक सेवा आयोग को, जो लोक सेवा आयोग के दायरे के हैं, और अधीनस्थ चयन आयोग को भेज कर हम पदों को भरने का काम करेंगे। और इसी के साथ साथ मैं ये बात जिक्र करना चाहूँगा, 450 अंशकालिक कोचों की प्रक्रिया हमने लगभग पूरी कर ली है, थोड़ी बेहतर है, अति शीघ्र उन्होंने नियुक्ति भी दे दिया है, लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। और खेलो इंडिया खेलों के तहत वन डिस्ट्रिक्ट वन खेल के माध्यम से हर जगह जहाँ ये चयन हुआ था वहाँ एक कोचेज की नियुक्ति भारत सरकार के ओर से आदेश से भी हुई है। निश्चित रूप से खेलों के लिए कोचेज की कोई कमी नहीं आने दिया जाएगा, इस बात को ध्यान में हम लोगों ने रखा है।